हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यूज़। मैं हूं आपको अपना राज भाई, और आज आपके सामने ब्लैक ब्यूटी यामा MT15 मॉडिफाइड दिखाऊंगा। कुछ डिसेंट सी, कुछ इसमें ब्यूटीफुल लुकिंग वाली, जैसे कि आपको पहले दिन मिलेगा ये कैप्टन अमेरिका वाला ए जो इधर बना हुआ है, इसका लगा देगा इसके अंदर वाइजर, जो कि देख सकते हैं ये आपका होता है पूरा पूरा मेटल के अंदर होता है आपका। कलर इसका ब्लैक है, और भी कोई कलर अगर चाहते हैं तो वो कलर इसके अंदर मिल जाते हैं या फिर करवा दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा इसके अंदर आइस का डिज़ाइनिंग, जो कि देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट लुक देता है इसकी, और इसके अंदर भी इसकी डिज़ाइनिंग कर दी गई है। मैं देखा चाबी ऑन करके देखिए, ये इसकी डिज़ाइनिंग है रेड के अंदर, इसकी आइस की डिज़ाइनिंग बना दी गई है। साथ में जो है ना छिला हुआ इसलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि जैसे फेस पर उंगलियाँ मारते हैं ना, तो इसके फेस पर उंगली मार के कर दिया गया इसको वाइट, जो कि काफ़ी अच्छी लुकिंग दे रहा है लगने के बाद। और साथ में नीचे देखने मिलेगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये है इसकी रिंग लाइट, जो कि रेड कलर की लगा दी गई है। नॉर्मली इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं इसके अंदर, रेड ब्लू ग्रीन येलो जो भी आपको वो कलर हमारे पास अवेलेबल है, बट रेड का इसमें कॉन्सेप्ट वैसे चलता है, क्योंकि जो इसके रिम होते हैं ना ये होते हैं रेड टाइप इसलिए बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग कहेंगे रेड है ही नहीं बेटा, झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए रेड नहीं है, रेड टाइप है, तो इसलिए इसके अंदर मैच कर जाते हैं। साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर लगा दी गई है नीचे फॉर प्रोटेक्शन, जो कि देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है इससे। और सबसे मेन फीचर पता क्या होता है इसका, लुक तो इनहेंस होती है, साथ में ना इससे जो आपके यूएसबी शॉकर है ये होते हैं पूरी तरीके से सेफ, फुल्ली सेफ्टी वाला फीचर, इसे लगाने के बाद शॉकर आपका पूरी तरीके से सेफ हो गया। साथ में इसका जो मडगार्ड है ये भी होता है पूरी तरीके से सेफ, और अगर इसमें फॉक्स लाइट लग जाते हैं तो आपकी डिस्प्लेट भी होते हैं, बट इसमें वो नहीं लगाया, लुकिंग वाइज भैया को पसंद नहीं आया तो वो नहीं लगवाया इसलिए। बाकी नीचे देखें तो रेडिएटर गार्ड, इधर MT की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, और ये आपके मेटल वाली रेडिएटर जो लगा दी गई इसके अंदर, पूरी तरीके से रेडिएटर आपका हो जाता है सेफ, क्योंकि जब भी आप रोड पर जाते हैं ना तो वहाँ पर बहुत कुछ पड़ा होता है कंकर पत्थर, तो अगर जो वो आपके मडगार्ड से टायर से उठकर अगर अंदर लग गया ना तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है रेडिएटर गार्ड, जो कि डैमेज हो जाता है, तो उसे सेव करने के लिए इसमें लगता है रेडिएटर गार्ड। और अब दिखाऊंगा आपको इसके अंदर ये वाली लाइट, जो कि है मिनी ड्राइव, तो ये आपके लगा देगी, तो 5 फीचर के साथ आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, ये आपका मिनी ड्राइव 5 फीचर वाली। 5 फीचर बोले तो देखो, ये हो गया इसका रेड सिंगल फीचर, ये आपका हो गया वाइट 2, ये आपका हो गया 3 फीचर जो उसे कहते हैं येलो, और इसके बाद आपको येलो वाइट दोनों मिक्स, और इसके बाद मिलता है आपको ब्लिंक। ये देखिए, ये इसका मल्टीपल फंक्शन है, जो कि इसके अंदर लगने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग, और रोड पर जब निकलेगी ना तो रोड प्रेजेंटेशन ज़्यादा होने वाली है इसे लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिया गया, देख सकते हैं ये इसका मास्टर सेंटर का, जो कि मिलता है आपको यामा MT15 की ब्रांडिंग के साथ, सेम इधर मिलेगा। और इधर दिखाएंगे आपको ब्लैक कलर के, देख सकते हैं ये इसका ब्लैक कलर का, जो ये भी इंस्टॉल कर दिया गया इसके अंदर, इससे भी इसका पीछे का पूरा सेफ हो जाता है। साथ में आपको मिलता है लीवर, जो कि देख सकते हैं आप ये टूटा नहीं है, ये इसका फोल्डिंग स्टाइल है, जो कि आप गिरने के बाद टूटेगा नहीं, तो ये इसके अंदर लगा दिया गया है, सेम आपको इस तरह भी मिलेगा। और ज़रूरी नहीं खाली फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग के साथ साथ ना एडजस्टिंग भी है, इसको अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो इसको, जहाँ आपको सेट करना हो। और एक और इसका अच्छा फीचर्स है, ये देख रहे हैं आप, ये गैप बीच में गैप दिख रहा होगा आपको, नीचे दिखाओ इधर सा, ये गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप इसलिए है क्योंकि जो इसका एडजस्टमेंट है काफ़ी लॉन्ग एडजस्टमेंट है इसकी, आप चाहो तो और भी लॉन्ग हो सकता है इतना, और इतना ही ये जितना स्पेस इतना छोटा हो सकता है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये लॉन्ग भी होता है और आपका स्लिम भी हो जाता है। साथ में आपको देखने लगा मोबाइल होल्डर, जो कि सिमटेक ओरिजिनल है, फास्ट चार्जिंग के साथ इसके अंदर लगा दिया गया है। उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर हैंड ग्रिप, जो देख सकते हैं ये आपको टाइटेनियम ग्रे और ब्लैक की मैचिंग का लगा देगा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये लगाए हैं इसके अंदर हैंड ग्रिप। और इधर आपको मिलते हैं बार एंड मिरर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं, ये आपने देखा होगा ज़्यादातर निंजा वगैरह के अंदर देखा होगा आपने, ये हमने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग, और इसके अंदर व्यू आपको आने वाला पूरा नज़र। मैं बैठ के चेकआउट कराता हूँ आपको, ये जब मैं बैठ हम कोई भी राइडर बैठेगा तो देखिए यहाँ से मुझे पूरा व्यू पीछे का नज़र आ रहा है कि पीछे कौन कौन क्या क्या सामान है और क्या गाड़ी चलेगी पीछे, और जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से, और बहुत ही बड़ा साइज़ करना तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला आपको इसे लगाने के बाद। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ इसके इंडिकेटर को दिखाने वाला था, इंडिकेटर जो कि आपको KTM चल रहे इंडिकेटर आपको देखने मिलेंगे अंदर, ये मिलते हैं आपको सिमटेक के ओरिजिनल MT15 के जर्मन फिटिंग के, जो कि देख सकते हैं ये थे इसके कंपनी के इंडिकेटर, जिसके अंदर आपको वायर दिख रही होगी पूरी लॉन्ग, ये हमने कोई भी वायर कटिंग नहीं करी है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसका, इसकी वायर कट करके और वहीं से जॉइंट कर देते हैं, जिससे आपका ये इंडिकेटर ओरिजिनल इंडिकेटर ही ख़राब हो जाता है, तो इसको ख़राब ना करें, किसी से भी करवाएं, प्रोफेशनल वर्क करवाएंगे तो आपको फुल बेनिफिट मिलने वाला है उसको। ये चारों तरफ लगाएं और चारों के चारों इंडिकेटर सेम फुल वायर के साथ हैं, ये देख सकते हैं। और इसके बाद ये मैं रखता हूँ अंदर, तो ये आपका हो गया इंडिकेटर, जो कि मैंने देखा KTM स्टाइल वाला आपको सिमटेक ओरिजिनल सेम आपको इधर मिलेंगे, सेम आपको देखने मिलेंगे इस तरफ, ये देखिए इधर भी आपको देखने मिलेंगे KTM वाले इंडिकेटर, और ये होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल, जो नॉर्मली इसमें आते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल, रोशनी इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं वो भी आपको चेकआउट कराया था। ये देखिए इसमें हैज़ार्ड भी लगा दिया गया, चाबी ऑन करने के बाद जब बटन ऑन करेंगे
तो आपका हैज़ार्ड एक्टिवेट हो गया। देखिए रोशनी काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, इतनी ज़बरदस्त कि आप देख सकते हैं कि दूर से ही इसका बहुत ज़्यादा थ्रू नज़र आ रहा है रोशनी का, ऑरेंज कलर का। और पैटर्न चेंज करेंगे, सिंपली बटन ऑन ऑफ पुश करेंगे इसका, जितनी बार पुश करेंगे उतनी बार इसके पैटर्न हो जाता है चेंज। इसमें आपको मिलते हैं 15-20 पैटर्न मिलते हैं इसके अंदर, जो कि आपको सिमटेक ओरिजिनल के अंदर मिल जाता है। और इसकी आपको मिलती है पूरी एक साल की गारंटी, कभी भी ख़राब होगा तो आपका सीधा होगा काउंटर ऑफिस में चेंज, हैंड टू हैंड चेंज। और जो फॉगलम का मैं दिखा रहा था ना आपको रोशनी, उसे ऑपरेट करने के लिए इसमें बटन देख सकते हैं, ये है इसका CNC बटन, जिसे लगाने के बाद समझ लो आपकी फॉग लैंप एकदम से सेफ हो जाती है, आपकी वायरिंग पूरी सेफ हो जाती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वाला बटन लगा देते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहीं भी फ्यूज उड़ जाता है या कोई भी दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें उसके अंदर आती हैं। मेटल का लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाता है इसके अंदर। साथ में आपको इसके ये देख सकते हैं, ये इसके ईयर डक कहते हैं, जाली कवर भी कहते हैं इसे, ये इसमें लगा दें गोल्डन कलर के, जो कि काफ़ी अच्छी लुकिंग दे रहे हैं। कलर इसमें और भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, कोई और कलर चाहिए। और नीचे आपको दिखाएंगे इसके अंदर लगा दें क्रैश गार्ड, जो देख सकते हैं ये इसका क्रैश गार्ड, जो कि सिग्नल स्लाइडर वाला है, लगा दिया गया इसके अंदर स्लाइडर क्रैश गार्ड। इससे जब भी आपकी गाड़ी क्रैश होती है या कुछ भी, तो आपके लेग्स भी सेफ रहते हैं, साथ में TPFC, साथ में टैंक, क्योंकि सारा इसके अंदर होता है प्लास्टिक पार्ट। इस प्लास्टिक पार्ट को सेव करने के लिए गाय क्रैश गार्ड, सेम इधर मिलेगा, सेम आपको देखने मिलेगा। इस तरफ भी देखिए पूरी जर्मन लुकिंग के साथ बहुत ही हैवी क्वालिटी का लगा दिया गया इसका क्रैश गार्ड। और अब आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, देख सकते हैं MT15 की ब्रांडिंग के साथ एग्जॉस्ट कवर, जिससे लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसकी, और साथ में इसकी सेफ्टी वैसे एग्जॉस्ट की, क्योंकि जब भी आप राइड करते हैं ना आप, तो पीछे वाला क्या होता है, इस पर तो पैर रखते रखता है लेकिन वो नीचे भी पैर रख देता है, इससे ये ख़राब हो जाता है एग्जॉस्ट पूरा, तो उसे बचाने के लिए लगा दिया गया इसके अंदर एग्जॉस्ट वैसे। साथ में इसकी जो लुकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है इसके अंदर। और पीछे देख मिले शार्क फिन मिरगार्ड, ये इसका शार्क फिन मिरगार्ड, इससे आपका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ इसका क्या होता है। नॉर्मल लोग सोचते हैं ये एक्चुअली सेगा कंपनी का ओरिजिनल होता है, तो लोगों को लगता है जैसे टायर अगर होता है ना, जो 350-350 स्टार्ट हो जाता है, तो वो समझते हैं कि ये भी शायद इसी टाइप का होगा, तो उस केस में लोग डरते हैं इसे लगाने के, ये कॉस्टली है। बट कॉस्टली ऐसे ही नहीं है, ये कॉस्टली इसलिए है, तो टायर अगर का ही ये काम तो करता उसी का ही है, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ, MT15 यामा की R15 इनके अंदर ही लग सकता है और किसी में लगता भी नहीं है ये। और इसका यूज़ होता है, देखिए अंदर है इसका मोनोशॉकर, और इस मोनोशॉकर तक जो डस्ट, मिट्टी, कीचड़, पानी जो है वो सारा, अगर जो ये नहीं लगेगा ना तो कंट्रोल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे लगने के बाद अब आपकी डस्ट हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, पानी हो, कुछ भी जा नहीं सकता उस तक, क्योंकि ये होता है पूरा। यहाँ देखिए ये आपकी चेसी हो गई, पीछे पीछे झूला हो गया, और झूले से कनेक्ट हो गया आपका ये स्टार्टिंग से यहाँ तक, तो पूरी तरीके से हो गया कवर। और अब आपका हो गया सस्पेंशन पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, और एक छोटी सी आइटम लगाने से बहुत पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, तो और क्या चाहिए आपको, तो मच बेटर है। साथ में इसमें लगा दिया टेल टेडी, जो देख सकते हैं ये टेल टेडी जो है ये आपकी होती है CNC की एल्यूमिनियम वाली, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है इसके अंदर, और प्रॉपर फिटमेंट है इसके अंदर, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की लगाई है इसके अंदर। और ये ब्लैक कलर की, एक ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक ही, अदरवाइज कलर इसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं, कोई सा भी आप हमसे ले सकते हैं इसके अंदर, जो आपको जो मिल जाता है। साथ में देख सकते हैं ये इसके नंबर फ्रेम, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं लोहे वाले, मेटल वाले, इससे आपका समझ लो नंबर प्लेट होती है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि नंबर प्लेट एक ऐसी चीज़ है जो ये कंपनी से ही बनती है, बाहर आफ्टर मार्केट नहीं मिलती, और ये टूटने के बाद, डैमेज होने के बाद आपको बुक करने में बहुत सारा समय लगता है, और आने में भी समय ज़्यादा लग जाता है, इतने पता नहीं कितने चलान हो जाते हैं, तो उसे बचाने के लिए ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। और अब ये बाइक अपनी कंप्लीट, और अब मैं मिलवाता हूँ इस बाइक के ऑनर से, जो कि इसका जो काम करा के जितनी मुझे खुशी हुई है शायद उनको भी बहुत खुशी होगी, मिलाता हूँ उनसे बराबर। तो आइए भैया, तो पहले तो आप अपना नाम बताइए सर, के नाम क्या है और कहाँ से और काम कैसा लगा? ओके, मेरा नाम अमजद है, तो काम मुझे बहुत बढ़िया लगा, और इसी चीज़ के लिए मैं राजू भाई के पास आया हूँ कि भाई काम बढ़िया होता है, मैंने कहा यहाँ आगे सारा काम करवा लो। और बहुत सारी एक्सेसरीज थी जो मैं एक्चुअली यूट्यूब पर देखता था, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो एक बार पहले भी आया था तो कुछ लगवाई थी, पर जो रह गई थी वो मैंने आज सारी लगवा ली, और जो कुछ रह गई वो मुझे लगवानी ही नहीं है। तो ऑल अबाउट आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, टोटली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड एक्सेसरीज, और हमारे स्टाफ से हमसे बिल्कुल टोटली सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड। चलो तो भैया टोटली सेटिस्फाइड, अगर कोई हमारा व्यूवर्स दिल्ली के बाहर से कोई आना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको? ऑब्वियसली मैं आपका नाम रिकमेंड करूँगा, तो थोड़ा सा देख लेंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया की वीडियो को जरूर देखना हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये तो मैं नहीं कहूँगा कब आएगी, लेकिन कोशिश करूँगा 1-2 दिन के अंदर, मतलब डेट बताए दो, डेट क्या आज? तो 9 तारीख को रात को 8 बजे ये गाड़ी 110% आप मैं डाल दूँगा। वैसे क्या होता है हमारा शेड्यूल इतना टाइट है कि वीडियो बहुत सारी होती हैं, तो टाइम का कोई पता नहीं होता कब डली कब नहीं डली, बट ये मैं
डेफिनेटली जो 9 अप्रैल है उसको आपको 8 बजे रात को देखने मिलेगी। तो जिस व्यूवर को देखनी है उसकी वीडियो, वो प्लीज़ चैनल में बने रहना, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी सामान मंगाना हो ऑनलाइन वगैरह, तो वो मैं भेज सकता हूँ ऑल इंडिया के अंदर, जो कि मैं डिलीवरी करता हूँ इसकी। तो काम हो गया कंप्लीट, और आपको करना क्या है, ध्यान दें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें राजू भाई SKD को, राजू भाई SKD, जो कि मिलता है आपको दिल्ली के करोल बाग नायवलन के अंदर। हमारी जो शॉप है वो बैक साइड में 36 नंबर गली है, और फ्रंट में जाएंगे तो फ्रंट में देखेंगे आर्य समाज रोड, और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो समझ लो हमारे यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है सिर्फ, उसी रोड पर मेन रोड पर शॉप है। जब भी आप आएंगे इजीली आपको हमारी शॉप मिल जाती है, और जब भी आए तो मुझे देख लें, आपका भाई आपको वहीं मिलेगा राजू भाई, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ वैसे ही आपको वहाँ भी दिखूँगा जब भी आप विजिट करेंगे तब। तो वीडियो चलेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।